अगरतला में आज सीपीआईएम और अन्य वामपंथी दलों ने जेल भरो और कानून तोड़ो आंदोलन चलाया। हजार से अधिक सीपीआईएम कार्यकर्ताओं ने इस दौरान अगरतला की सड़कों पर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस को पानी और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। विपक्षी नेता मानिक सरकार और पार्टी की प्रदेश इकाई के अन्य शीर्ष नेताओं के नेतृत्व में प्रदर्शनकारी पैराडाइज चौमुहानी में इकट्ठा हुए। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मानिक सरकार ने कहा कि राज्य में जंगल राज चल रहा है। मौजूदा बीजेपी सरकार विपक्षी पार्टियों को अपने गणतांत्रिक अधिकारों से वंचित कर रही है, इसलिए यह आंदोलन बीजेपी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए है। আপনার গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত পঞ্চায়েত নগর পঞ্চায়েত এইখানে যারা বামপন্থী সমর্থক তাদেরকে জোর করে মৃত্যু ভয় দেখিয়ে তাদেরকে সেখানে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হচ্ছে এবং কাজে যেতে দিচ্ছে না। গাড়ির ড্রাইভার শ্রমিক সে তার নিজের গাড়ি নিয়ে বেরোতে পারছে না, টমটম নিয়ে বেরোতে পারছে না, অটোরিকশা নিয়ে বেরোতে পারছে না, নিজের মাঠে ফসল নিয়ে বাজারে বিক্রি করতে যেতে পারছে না, মাঠে ফসল তুলতে পারছে না, এরকম একটা অরাজক পরিস্থিতি চলছে এবং এলাকা ছাড়া করছে, এলাকায় থাকতে পারছে না, রাজ্যের অন্য জায়গায় থাকলো সেখানেও আক্রমণ করার চেষ্টা করছে, রাজ্য ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে, এরকম একটা পরিস্থিতি চলছে। তো এটা কোনো মতেই এটা সমর্থন করা যায় না। ত্রিপুরা রাজ্যের বিবেকবান মানুষ যারা তারা এটা সমর্থন করতে পারে না। मिजोरम में वापसी से पहले भ्रूशरणार्थियों के लिए इलेक्टोरल रोल रिवीजन का ऑल मिजोरम एनजीओ कोऑर्डिनेशन कमेटी ने विरोध किया है। इस कमेटी में नागरिक समाज, छात्र संगठन और राज्य की राजनीतिक पार्टियां शामिल हैं। भारतीय चुनाव आयोग के इस निर्णय का राज्य सरकार समेत राजनीतिक पार्टियां और गैर सरकारी संगठन विरोध कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने इससे पहले 1 अगस्त को मिजोरम सरकार से कहा था कि त्रिपुरा के कैंप में रहने के दौरान ही ब्रू शरणार्थियों का इलेक्टोरल रोल रिवीजन किया जाए। बुधवार को गैर सरकारी संगठनों, राजनीतिक पार्टियों और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में गृह मंत्री आर लाडजियाना ने कहा कि राज्य सरकार अपने इस निर्णय पर अटल है कि ब्रू शरणार्थियों का इलेक्टोरल रोल रिवीजन सिर्फ तभी होगा जब वे मिजोरम लौटेंगे। ब्रू शरणार्थियों का प्रत्यावर्तन 14 अगस्त को होना है और पूरी प्रक्रिया इस साल 10 सितंबर तक समाप्त हो जाएगी। फॉर्मल कम्युनिकेशन ले सिग्नेचर बॉम लबिन मासे कन्हन एना छा kanti lo tam ta to oma bangin e parawais reply fil takin kan siama e chu chu i kan thon khale khaba e formal taka ronti an ni lo na in record oma atulti kan sia ta bangin kan thon tha a भारतीय नागरिकों को अवैध घुसपैठियों से अलग करने के लिए पी नागा स्टूडेंट्स फेडरेशन ने अपने संघीय और अधीनस्थ इकाइयों के साथ 6 जिलों में इनर लाइन परमिट की जांच का पहले चरण का अभियान चलाया। इस दौरान बगैर आईएलपी के 17 लोगों को पकड़ा गया। 18 लोग ऐसे थे जिनकी आईएलपी एक्सपायर हो चुकी थी। इसके अलावा बगैर दस्तावेज के यात्रा कर रहे 9 लोगों को चुमुकेदिमा तलाशी चौकी से दिमापुर वापस भेज दिया गया। वहीं 35 लोगों को आगे की कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन के सुपुर्द किया गया है।
MP validity was from December 13 to December to May 2018. So the purpose was for business. This permit got expired on March 13, 2018. Whereas in simple, they have renewed. They also on the same pass. Who has renewed? It is from the DC office, Koyama. Yeah. So it is just a renewed thing here. Just renewed from 5/15/6/18 till 15/9/2018. So the same thing is just being renewed over the on the back of the previous permit. एक तरफ जहां मेघालय वित्तीय संकट से गुजर रहा है, वहीं यहां के मंत्रियों को अब कीमती गाड़ियों में सफर करते देखा जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कैबिनेट ने इन मंत्रियों को गाड़ी खरीदने के लिए मिलने वाली राशि की सीमा बढ़ा दी है। मेघालय कैबिनेट ने उप मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और कैबिनेट के मंत्रियों के लिए इस राशि की सीमा 15 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी है। वहीं मुख्यमंत्री और राज्यपाल के लिए यह राशि बढ़ाकर 40 लाख कर दी गई है। उप मुख्यमंत्री प्रेस्टन टिंग संघ ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा है कि वाहन खरीदने के लिए जो पुराने मूल्य निर्धारित थे वह नाकाफी थे, क्योंकि वाहनों के दाम बढ़ चुके हैं। एनहांसमेंट ऑफ प्राइस लिमिट ऑफ व्हीकल्स फॉर VIPs एंड ऑफिशियल्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ मेघालय। The cabinet has decided to enhance the price limit for governor and chief minister up to 40 lakhs. Then deputy chief ministers is up to 20 lakhs. National chief secretary, DGP, principal secretary, PCCF, up to 12 lakhs, Commissioner and Secretary and All India Services up to 10 lakhs, then Secretary, Deputy Commissioner, IGP and all those equivalent rank up to 9 lakhs, HOD, Heads of the Department up to 7.5 lakhs and District Level Officers up to 7 lakhs.